मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से दूसरी मौत की खबर आई है, जिसमें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक 56 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वह कई गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित थे। स्वास्थ्य विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंदौर में अब तक 15 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर में कोरोना का कहर। कोरोना वायरस से 56 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। मध्य प्रदेश में 27 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। कोरोना को लेकर प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में हुई दूसरी मौत के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। जिस मृतक की उम्र पहले स्वास्थ्य विभाग ने 35 साल बताई थी और दावा किया जा रहा था कि देश में ये सबसे कम उम्र में कोरोना के चलते मौत हुई है, वो व्यक्ति 56 साल का है। हालात ये है कि मेडिकल बुलेटिन में भी इसकी गलत जानकारी दी गई है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार भी मृतक की उम्र 35 साल है, जबकि इस बात की पुष्टि देर रात को हो गई कि मृतक की उम्र संबंधी जानकारी गलत दे दी गई है। गौरतलब है कि अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें उज्जैन की रहने वाली एक महिला और एक इंदौर की व्यक्ति है। देखिए, अभी तक हमने 70 टेस्ट करने के लिए भेजे थे सैंपल्स, जिनमें से 10 मरीज पॉजिटिव आए थे। एक मरीज इनमें से जो पॉजिटिव था वो उज्जैन निवासी था। तो इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में अभी तक 9 पॉजिटिव आए थे, बाकी सभी के जांच रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव आई थी। एक मृत्यु उज्जैन की और एक मृत्यु इंदौर की हुई है। इस तरह से इंदौर ज़िले में अभी तक सिर्फ एक मृत्यु हुई। देखिए, पहले दिन जो 5 पॉजिटिव आए थे उनमें से एक चूँकि उज्जैन का निवासी है, तो उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है वो उज्जैन से हो रही है। यहाँ वो जहाँ जहाँ तक रुकी होंगी उनको उनकी हमने पता कर रहे हैं। और प्राइमरी कॉन्टैक्ट में जो देखा था वो उनके 29 लोग करीब आए थे। उन सभी का परीक्षण करने पर किसी में भी कोई लक्षण प्राप्त नहीं हुए। इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे हाई रिस्क सिटी घोषित कर दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन में भीड़ का समय कम कर दिया गया है। इंदौर में जो नए मरीज सामने आए हैं उनमें से कुछ 35 से 40 वर्ष की आयु के भी हैं और उनका विदेश आना जाना नहीं हुआ है। वे सामूहिक समारोह शादी विवाह में शामिल हुए थे। इंदौर में नए मरीजों के मिलने के बाद खास एहतियात बरता जा रहा है। इंदौर में अब तक 10 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। विगत दिवस हम लोगों ने जो कर्फ्यू इम्पोज किया था उसमें हम लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी पालन हो, प्लस जो आम जन है उनको असुविधा भी ना हो। परंतु विगत दिवस में इंदौर में जो नए केसेस कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो अभी हमें और आवश्यक है हो गया है कि हमें और सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस संबंध में जो कर्फ्यू का आदेश हम लोगों ने पूर्व में जारी किया था उसमें हम लोगों ने कुछ संशोधन किया है। सर्वप्रथम ये जो दुकान खोलने का समय है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा कम किया है। अब कल से जो दुकानें हैं वो प्रातः 8 बजे से खुलेंगी और दोपहर 1 बजे बंद हो जाएंगी। लेकिन जितनी तरह की दुकानें आज खुली थी वो समस्त तरह की दुकानें पहले पूर्व की तरह खुलती रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो लोगों को की ध्यान में लाना आवश्यक है कि हम लोगों ने ऑड इवन फॉर्मूले ऑड इवन क्लोज के फॉर्मूले पे आने वाले समय में कर्फ्यू की जो डेट्स हैं उसको प्लान किया है। ये जो आदेश है ये 28 मार्च से प्रभावशील होगा। 28 मार्च को यानी पहले दिन मात्र ऑड नंबर की जो गाड़ियां हैं उन्हें बाजार बाहर आने की अनुमति रहेगी। 29 तारीख को इवन नंबर की जो गाड़ियां हैं उन्हें आने की अनुमति रहेगी और 30 तारीख को पूर्णतः जो बाहर आना है वो बंद कर दिया जाएगा। वाहनों का जो मूवमेंट है वो बंद कर दिया जाएगा। पूरी तरह से जो कर्फ्यू है उसका पालन किया जाएगा। मैं फिर से इंदौर DIG रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि इंदौर शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौर में पिछले 24 घंटे में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। मरीजों के घर से 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन और 5 किलोमीटर के दायरे को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं? बेसिकली मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ कि जो समस्या हमारे सामने है उसकी गंभीरता को हम लोग समझें और केसेस की संख्या पहले से बढ़ी है। कुछ और सस्पेक्टेड केसेस हैं जो सैंपल के लिए गए हुए हैं,
तो अब कुछ उसमें जो एपी सेंटर है जहाँ पर ये केस पॉजिटिव पाया गया है, जिस घर में, जिस मल्टी में, बिल्डिंग में, जहाँ पर भी ये केस पॉजिटिव पाए गए हैं उनको एपी सेंटर माना गया है। इनको हम चिन्हित करने जा रहे हैं ताकि मोहल्ले के आसपास के लोगों को भी या जो उस मोहल्ले में आ रहे हैं लोग किसी भी कारण से आ रहे हैं उनको मालूम हो कि उनको उस एरिया के आसपास में सेफ्टी पूरी बरतना है। दूसरा, एक कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश हैं केंद्र सरकार के, जिसमें ऐसे एपिसेंटर से एक निश्चित दूरी के घेरे में जितने भी लोग आते हैं उनको उस घेरे के भीतर ही रखना है, यानी उनका मूवमेंट बाहर और बाहर का मूवमेंट अंदर अलाउ नहीं करना है। तो इसके लिए हम जो एरियाज़ हैं, जो एपिसेंटर्स पाए गए हैं अभी तक, उनकी उनके लोकेशन के हिसाब से उनकी एरिया मैपिंग हम करने जा रहे हैं ताकि कंटेनमेंट जोन को व्यवस्थित किया जा सके और ऐसे जो कंटेनमेंट जोन में जो भी एरियाज़ आएंगे उनको बैरिकेड किया जाएगा। और जब कर्फ्यू में जो ढील का समय है जिस दौरान आप अत्यावश्यक सामग्री खरीद सकते हैं, इवन उस दौरान लोगों से अपेक्षा ये है कि उनकी जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं वो अपने मोहल्ले से ही खरीदें, उसमें जो भी खाद्य सामग्री है, दवाई है, सब्जी, फल, दूध, ये सभी चीज़ें लगभग प्रत्येक मोहल्ले में मौजूद होती हैं। तो ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग अभी मोहल्ला क्रॉस करके दूसरी जगह जा रहे हैं। चूँकि स्थिति की भयावहता बहुत गंभीर हो सकती है, इसलिए मेरी सभी से ये गुजारिश है कि आप लोग इवन अपने एसेंशियल परचेजेस के लिए बहुत दूर ना जाएं। अभी नगर निगम के द्वारा सब्जी की भी डोर टू डोर सप्लाई शुरू की गई है, वो एक सुविधा है, सब्जी आप आसानी से घर मंगा सकते हैं, दूध घरों में आ रहा है, राशन कुछ दिनों का इकट्ठा लिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर दवाई की आवश्यकता है तो मेडिकल भी हेल्पलाइन नंबर्स चालू किए गए हैं, 104 है, 181 है, ये जो हेल्पलाइन है मेडिकल हेल्पलाइन, उसमें कोई मेडिसिन की आपको आवश्यकता है वो भी आप कॉल करके मंगा सकते हैं, डॉक्टर से आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो किसी भी रीज़न से इवन अब मेरा रिक्वेस्ट है कि इवन अब अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए भी अनावश्यक बाहर ना जाएं। ये वस्तुएं, अधिकतम चीज़ें, इवन फूड की डिलीवरी भी घर पे होना संभव है। तो कोई ऐसा कारण विशेष नहीं समझ में आता है कि जिसमें किसी एक हाउस होल्ड को रन होने के लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत हो। चूँकि कंटेनमेंट जोन का जो कॉन्सेप्ट है कि जो एपिसेंटर पाया गया है उससे लगभग 4 किलोमीटर पेरीफेरी का एरिया उस पूरे कंटेनमेंट जोन में आएगा, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या जो है हाउस होल्ड्स की वो कवर होगी। तो अब हमको ये सभी को ध्यान रखना है कि हम जो ये संक्रामकता है उसको कितना हम मिनिमम रिड्यूस कर सकें, और किसी भी सूरत में किसी भी कारण से हमको गैदरिंग अलाउ नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमको रखना है, चाहे हम सामान खरीदने जाएं, चाहे कुछ भी। सभी धार्मिक स्थल बंद किए गए हैं, एकमात्र जो भी वहाँ व्यवस्था के लिए 1-2-3 लोग रहते हैं मात्र उनको ही वहाँ रहना अलाउ किया गया है, ताकि वो वहाँ की जो डे टू डे मेंटेनेंस है, जो पूजा अर्चना जिस भी प्रकार से करते हैं वो उसको मेंटेन कर सकें। तो मात्र वही लोग पूजा स्थल पे भी जा सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में किसी भी कारण से गैदरिंग अलाउड नहीं है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि आस्था के कारण, धर्म के कारण, किसी भी कारण से लोग भीड़ में इकट्ठे ना हों, अत्यावश्यक वस्तु खरीदने के लिए भी लोग भीड़ में इकट्ठे ना हों। जो राशन दुकानें हैं, किराना दुकानें हैं, दूध की सेंटर्स हैं, उन सब में भी चूने की लाइनें और गोल घेरे डाले गए हैं, जो एक मिनिमम डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए डाले गए हैं। इसीलिए किया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से किसी भी तरह का स्पर्श, उनसे वस्तुओं का आदान प्रदान, उनको उनसे इंटरमिक्सिंग, उनके साथ बैठना, ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जान के लिए घातक हो सकती है। इसमें कोई पुलिस कार्रवाई तो बाद में होगी, अगर हम अपनी जान को रिस्क में डाल देते हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हमारे खुद के लिए। तो इससे बड़ा कोई पनिशमेंट नहीं होगा अगर किसी ना किसी प्रकार से अगर हम संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं या हमारी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है, तो इससे बड़ा पनिशमेंट शायद ही कुछ हो सकता है। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि पुलिस की कार्रवाई से डर कर नहीं, बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए, अपने अपनों की जान की सुरक्षा के लिए और अपने आसपास घूमने वाले लोगों की जान की सुरक्षा के लिए, प्लीज़ डू टेक प्रिकॉशन एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टे एट योर होम।
बहरहाल खबर मध्य प्रदेश अपने दर्शकों से खास अपील करता है कि आगामी 14 अप्रैल तक सरकार और प्रशासन का हर आदेश का पालन कर अपने अपने घरों में रहें, ताकि लाइलाज कोरोना की महामारी से देश को बचाया जा सके। हमारे देश के कर्मवीर डॉक्टर, पुलिस, स्वास्थ्य अमला अपना अपना दायित्व दिन रात मेहनत कर निभा रहा है। ऐसे में हमें सिर्फ अपने घरों में रहकर उनका सहयोग करना है। रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।